हेलो, वेलकम टू द टेक वाओ। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक टूल बनाया था, आज हम दूसरा टूल बनाने जा रहे हैं, वो भी ब्लॉगर के अंदर। आप इस तरह का सेम ब्लॉगर के अंदर टूल बनाकर अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो, बना कर दे सकते हो, जो मर्जी है इसको सर्विस सेल करो, या जो भी आपने करना है वो आप कर सकते हो। तो ट्रिक आसान सी है, सेम है, आपको कोड मैं दूंगा, आपने कोड लगाना है और टूल रेडी। तो आए मैं दिखाता हूँ कि ये चीज़ क्या है। तो सबसे पहले हम टूल को रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ पर एक टेस्टिंग वेबसाइट है, वो यहाँ पे मैं डालता हूँ इस तरह से। तो ये आ गई, और यहाँ पे मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ, तो ये सबमिट इस तरह से हो गया। इसकी टूल की डिस्क्रिप्शन जो है वो यहाँ पे मैंने दी हुई है, आप यहाँ से पढ़ सकते हो कि ये टूल क्या करते हैं, इसे चेंज भी आप कर सकते हो। अब आप चलते हैं कि किस तरह से बनेगा। आपने सेम एक ब्लॉग के ऊपर पोस्ट क्रिएट कर लेनी है, जिस तरह से ये की हुई है। करने के बाद यहाँ पे आपने ब्लॉगर के ऊपर आ जाना है। आने के बाद टाइटल दे देना है, और ये कोड में आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक मिलेगा आपको, उसमें दिया होगा, या आप कमेंट भी कर सकते हैं, तो उस कमेंट में मैं आपको ये कोड दे दूंगा। आप इस कोड को कॉपी करके यहाँ पे जिस तरह से आप क्रिएट करते हैं ना ब्लॉगर की पोस्ट, इस तरह आपके पास आता है, ठीक है, सिंपल ये खाली पेज। तो सबसे पहले आपने यहाँ से आके HTML व्यू के अंदर चले जाना है, और फिर ये कोड जो मैं आपको दूंगा पेस्ट करना। पेस्ट करने के बाद पब्लिश करोगे और पेज को देखोगे तो इस तरह करके टूल बन के आपके पास आ जाए। अब क्या है कि इसमें बाकी चीजें जो है इसमें जो है आप यहाँ पे अपना डाटा भी ऐड कर सकते हो, जिस तरह की ये अगर चेंज करना चाहो, ये डिस्क्रिप्शन जो नीचे आ रही है ये, ठीक है, यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन जो है चेंज करना चाहते हो, यहाँ पे ये चेंज कर, ऊपर लिखना चाहते हो कुछ चीज तो यहाँ से ऊपर भी आप लिख सकते हो। यहाँ मैं लिखता हूँ टेक वाओ साइट मैप, तो ये इस तरह से आ गया, और यहाँ पे आपने अपडेट कर दिया। तो इस तरह करके यहाँ पे मैं अपडेट कर देता हूँ, इस टूल को दोबारा आगे रिफ्रेश करता हूँ, और यहाँ पे आप देखो ये टेक वाओ का आ गया। ऊपर नीचे आप हेडिंग्स वगैरह सारी चीजें ऐड कर सकते हो, और इसको इस तरह से टूल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी ये ब्लॉगर का जो मैंने टेम्पलेट यूज किया है, बाय डिफॉल्ट जो टेम्पलेट आता है वो लगा हुआ है, आप इसको चेंज भी कर सकते हो। इसमें ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप सिंपल जो ब्लॉगर का टेम्पलेट होता है कोई भी उठा के लगा लो। बाकी टूल हर थीम के अंदर हर जगह पे ये काम करने वाला है, तो आप अपनी टूल वेबसाइट बनाओ और एंजॉय करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आप चाहते हो कि आप अगला टूल देखना चाहते हो।